एग्जाम्पल नंबर 4 आकृति में QA तथा PB AB पर लंब है, ये AB है, ये QA, ये PB, ये किस पर लंब है? AB पर लंब है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई कितनी है हम लिख लेते हैं, AB बराबर 16 सेंटीमीटर और Q बराबर कितना है? फाइव रूट 13 और Q फाइव रूट 13 सेंटीमीटर और ओपी कितना है? 3√13 सेंटीमीटर। तो AO और BO के मान हमें ज्ञात करने हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो माना AO बराबर X तथा AB बराबर क्या है? AO प्लस BO। तो जब AB की वैल्यू 16 है, AO की X है, तो BO की हम निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, BO बराबर 16 माइनस एक्स। एक तुम्हारे पास AO की वैल्यू आ गई X और दूसरी BO की कितनी आ गई? 16 माइनस एक्स। ये हमारे आगे काम आएंगी। अब ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इनको पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AOQ व त्रिभुज BOP में इनको समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम तीन बातें होनी चाहिए जो दोनों त्रिभुजों में हो, या तो उनके कोण संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, या तो दो कोण और एक भुजा, दो कोण बराबर हो एक भुजा समानुपाती हो, तो उसे कहेंगे कोण भुजा कोण समरूपता, या फिर तीनों कोण बराबर हो तो उसे कहेंगे कोण 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 समरूपता। दो कोण से भी काम चल जाता है समरूपता के लिए, क्योंकि दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो यहां पर एक तो क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो ये बराबर हो गया, दूसरा ये दो कोण है शीर्ष अभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। एंगल ए ओ क्यू बराबर एंगल, इस त्रिभुज का तो ए ओ क्यू, इसका कौन सा होगा? बीओपी। ये बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, तो इन दो बातों के आधार पर ही हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज इसलिए ए एंगल एंगल समरूपता से क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप त्रिभुज बी ओ पी। और समरूप त्रिभुजों की क्या होती है? भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए हम इस त्रिभुज की भुजा ले ले ए क्यू, या ए ओ ले लो ए ओ, इस त्रिभुज की ए ओ, इस त्रिभुज की कौन से लेंगे? इसके सामने वाले ले लेंगे, और इस त्रिभुज की ये लेंगे तो इसके सामने वाले ये ले लेंगे, ए ओ अपॉन इस त्रिभुज की बी ओ बराबर क्या ले लेंगे? इस त्रिभुज की ओ क्यू और इस त्रिभुज की ओ पी या पी ओ।
अब इनमें हम वैल्यू रख लेंगे, एओ की वैल्यू कितनी है एक्स, बीओ की वैल्यू कितनी है 16 माइनस एक्स, ओक्यू की वैल्यू कितनी है, यहां पर हमने दो भुजाएं समानुपाती लिखी, तीन भी लिख सकते हैं, दो से काम चल जाएगा इसलिए हमने दो ही लिखी है। ओक्यू कितनी है, ओक्यू 5√13 और ओपी कितनी है 3√13 √13 तो √13 से √13 कट जाएगा तो क्या आया एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स बराबर 5/3 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो ये होगा 5 को कर लेंगे पहले या तो कोष्टक लगा के गुणा कर लो डायरेक्ट करो डायरेक्ट करेंगे तो 16 गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा 80 और माइनस से करेंगे 5 को तो माइनस 5x बराबर 3x 5x को उधर ले जाए 80 बराबर कितना आएगा 3x प्लस 5x ये हो जाएंगे 80 बराबर 8x 5x और 3x मिलकर कितने हो जाएंगे 8x हो जाएंगे x बराबर कितना आ जाएगा 8 नीचे आ जाएगा x बराबर 80/8 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर तो x 10 आ गई तो फिर x का मतलब AO इसलिए AO बराबर x बराबर तो 10 सेंटीमीटर इसलिए BO क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स तो 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर क्या होगा आंसर होगा एक आंसर ये हो जाएगा दूसरा ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आकृति में कोण ADE बराबर कोण B है ADE ये कोण बराबर क्या है कोण B AD की वैल्यू 3.8 AD ये वाली AE 3.6 ये वाली BE 2.1 ये 2.1 है BC 4.2 ये 4.2 है तो BE का मान ज्ञात करो तो जो दे रखा उसको हम पहले लिख लेंगे AD बराबर 3.8 सेंटीमीटर AE बराबर 3.6 सेंटीमीटर BE 2.1 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर पूछा क्या है DE पूछा है तो इसमें दो त्रिभुज है एक तो छोटे वाला ADE और एक पूरा ले सकते हैं ABC इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे और फिर इनके भुजाओं को समानुपाती दिखाकर वैल्यू रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABE में एक तो क्या दे रखा है कोण B बराबर कोण ADE ये तो दे रखा है दूसरा त्रिभुज ABC में कोण A और त्रिभुज ADE में भी कोण क्या है A तो कोण A बराबर कोण A ये दोनों त्रिभुजों में है ओबेनिस्ट है कॉमन है इसलिए कोण कोण समरूपता से दो कोण बराबर होंगे
तो तीसरा एटोमेटिक बराबर होगा, तो कौन कौन समरूपता से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी ई। अब ये दोनों जब समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं हम लिख सकते हैं समानुपाती। तो बड़े त्रिभुज में कौन कौन, बड़े त्रिभुज का कोण ए और छोटे का भी कोण ए बराबर है, बड़े वाले का कोण बी और छोटे वाले का कोण डी बराबर है, बचे कोण सी और ई, तो सी के बराबर कौन सा होगा, यानी ये एंगल यहां पर आएगा, इसको एडजस्ट करेंगे तो ए बी के संगत कौन सी आएगी, ए डी आएगी, इसलिए ए बी अपॉन ए डी, बड़े त्रिभुज की ए बी, छोटे वाले की ए डी। दूसरी क्या आएगी, बी सी के बराबर कौन सी आएगी, बी ई, तो बी सी अपॉन बी ई। अब इनके वैल्यू रख देंगे, ए बी की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास नहीं है तो इसके रूप में है बी ई प्लस ए ई, बी ई प्लस ए ई के रूप में है, ए डी बराबर बी सी अपॉन बी ई। यहां इनके वैल्यू लिख लेंगे, बी ई की वैल्यू है 2.1, ए ई की वैल्यू है 3.6, ए डी की वैल्यू है 3.8, बी सी की वैल्यू कितनी है 4.2 और डी ई की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। ऐसा कैसा लिख लेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.6, 0.1, 0.7 हो जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे 5.7, 3.8 है ही, 4.2 डी ई अपॉन जाएगा डी ई, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्या बचेंगे 57/38, 19 से कट जाएंगे, 19 2 38, 19 57, 3/2 आ जाएगा 4.2 अपॉन डी ई। यही काट सकते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर के काटते हैं, नीचे नीचे के कट जाते हैं, तो 14 आ जाएंगे, 1.4 आएंगे, मतलब ये 1 और ये क्या आएंगे 1.4, 14 42 होते हैं, कितना आएंगे 1.4 आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीपल करने पर दो को करेंगे 1.4 से गुणा और डी ई को करेंगे 1 से गुणा, तो कितना आएगा डी ई बराबर 1.4 × 2 बराबर 4.2 आएगा। सेमी आंसर।